ठिकरी नगर में चौपाटी से बस स्टैंड तक बनने वाले डामरीकरण को लेकर नगर में चर्चा का विषय बना हुआ था। लगभग 32 लाख के डामरीकरण निर्माण में ठेकेदार सहित नगर परिषद के अधिकारियों पर सवालिया निशान खड़ा किया था। ज्ञात हो कि 32 लाख का डामरीकरण रोड भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया था। ज्ञात हो कि 32 लाख का डामरीकरण रोड भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया था, जिसकी शिकायत नगर परिषद के पार्षदों एवं नागरिकों के द्वारा की गई थी। नगरवासियों ने शिकायत में बताया था कि डामरीकरण गुणवत्ताहीन है, एस्टीमेट के हिसाब से डामरीकरण नहीं किया गया, जिसको लेकर नगर में चर्चा का विषय बना हुआ था। नगर परिषद पार्षदों सहित नगरवासियों के द्वारा पूर्व में भी दिए गए शिकायती आवेदन में डामरीकरण की जाँच करने की बात सामने आई थी, जिसको लेकर नगर परिषद सीएमओ हरकत में आए थे एवं जांच के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था। जांच के लिए आवेदनकर्ता नगर परिषद उपाध्यक्ष व विपक्षी पार्षदों के साथ एक निर्दलीय पार्षद ने बताया है कि पूर्व में खंडवा से आई जांच टीम से हमें संतुष्टि नहीं हुई थी, जिसके बाद फिर से कागजी कार्यवाही की गई थी, जिसके बाद अब इंदौर से जांच दल ने ठीकरी में डामरीकरण रोड के सैंपल लिए हैं। जांच टीम ने नगर की बस स्टैंड से जांच के सैंपल लिए। पूर्व में हुई जांच में तीन जगह मटेरियल की टेस्टिंग के सैंपल लिए थे। एक जगह केवल 35 mm की थिकनेस देखने को मिली, वही बाकी जगहों पर कहीं 5 तो कहीं 15 तो कहीं 20 mm की थिकनेस देखने को मिली थी। डामर क्वालिटी तो जांच रिपोर्ट आने के बाद ही मालूम पड़ेगी, वही इसमें कहीं जगह पर डला हुआ मिला तो कहीं नहीं मिला। जांच की रिपोर्ट भी हमने लिखित तौर पर मांगी थी, जो नहीं मिली है। पूर्व में हुई जांच में पार्षद सहित अन्य नगरवासी पूर्व में हुई लेपापोती होने के कारण संतुष्ट नहीं हुए थे, जिसके बाद दूसरी बार नगर परिषद सीएमओ को फिर से जांच करने की बात लिखित तौर पर कही गई थी, जिसके चलते इंदौर से फिर एक बार डामरीकरण रोड की जांच के लिए इंदौर से टीम को बुलाया गया है। बड़वानी से जिला ब्यूरो सुरेंद्र वर्मा की रिपोर्ट। सर, आज नगर परिषद ठिकरी में डामरीकरण रोड के सैंपल लिए हैं और सर मटेरियल टेस्टिंग के लिए आगे भेजने की बात कर रहे हैं, सर क्या है प्रॉब्लम? सैंपल जो लिए उनको NABL लैब से टेस्ट कराएंगे। अच्छा। टेस्ट कराने के लिए जो अभी जिन पार्षदों ने या पब्लिक ने साइन किए उनको भी उस टेस्ट में, जब टेस्ट होगा तो उनको बुलाया जाएगा। सर, सामने ही टेस्ट होगा। प्रथम दृष्टया आपने क्या पाया इसमें जांच में? ओरिजिनल थिकनेस से तो कम है, जो एस्टिमेट में थिकनेस उससे कम है। सर, किसके आदेश पे अपन यहाँ पर आए हैं टेस्टिंग के लिए? सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर्स नगरीय प्रशासन विकास विभाग इंदौर। ठिकरी के द्वारा भी आपके पास कोई शिकायती आवेदन गया है? हाँ, गया। एक चिट्ठी गई थी कि हमारा ये काम हुआ है, इसका परीक्षण कराया जाए। किसने दिया सर? मुख्य नगर पालिका का। सर, जैसे अपन ने कितनी जगहों के सैंपल लिए हैं और कैसा, मतलब क्या रहेगा सिटीज का आगे? सैंपल तीन जगह के लिए, एक रोड के सेंटर में और दोनों बाजू में। अच्छा, जो भी रिपोर्ट आएगी उस आधार पर रिपोर्ट बनाएंगे, लैब की जो रिपोर्ट आएगी। सर, इस पर कार्रवाई क्या होगी अगर मानक स्तर का नहीं पाया गया? तो दो बातें हैं, अधीक्षण यंत्री को अधिकार है कि या तो रिड्यूस रेट कम करके वो उसको माने या फिर उसको डिलीट करें। ठीक है सर, आपका नाम? सर, हजारी लाल वर्मा। किस पद के सर? मैं असिस्टेंट इंजीनियर नगरीय प्रशासन विकास विभाग इंदौर। ठीक है सर, धन्यवाद। सर, आज डामरीकरण रोड का के लिए सर जांच टीम आई थी, क्या है सर विवरण पूरा बताएंगे? नगर में पुराना बस स्टैंड से चौपाटी तक जो CC रोड क्षतिग्रस्त था, जिसमें बहुत गड्ढे हो गए थे, जगह जगह परेशान होते थे। उस CC रोड पे डामर कोड निर्माण के लिए टेंडर निकाले थे, जिसमें सनावत के मिश्रा ट्रेडर्स के दरें सबसे कम होकर उनका टेंडर हुआ था। उनके द्वारा रोड का निर्माण डामर कोड किया गया था, जो सही नहीं था, जिसकी जांच के लिए हमने खंडवा से पॉलिटेक्निक कॉलेज से टीम बुलाई थी, उनके द्वारा जांच की गई। उसके पश्चात उस जांच से उनको संतुष्टि नहीं थी, फिर हमने इसको संभागीय स्तर पर भेजा और संभागीय स्तर से आज टीम आई थी जाँच की। उन्होंने कोर कटिंग करी है, कोर कटिंग करके वो मटेरियल ले गए हैं, जिसकी जांच लैब में होगी, उसकी रिपोर्ट आने के बाद में आगे क्या बताऊँगा। सर, क्या लागत है रोड की? रोड की लागत है 33 लाख से कुछ ऊपर। सर, जांच टीम अगर इसमें कमी पेशी पाई गई है तो आगे क्या कार्रवाई करेंगे? आगे वरिष्ठालय से जो भी निर्देश होंगे उस हिसाब से काम करेंगे। सर, ये जो रोड निर्माण हुआ है इसमें कहीं न कहीं कम डामर लगाए गए हैं
और जांच टीम के द्वारा पूर्व में भी जांच टीम आई थी, तो सर ऐसा क्या हुआ कि संतुष्टि नहीं हुई जिन्होंने शिकायतें करी थी उन लोगों को? देखो रोड पे एक तो डामर कोड जो होना था लगभग 40 mm के आसपास, 35 से 40 के बीच में हुआ, तो बहुत सी जगह 5 mm है, 7 mm है, 15 mm, 20 mm ऐसा है, तो वो थिकनेस तो उसमें है ही नहीं जो इस्टीमेट में, उस हिसाब से है नहीं, तो उसको लेके नाराज़गी है। उसका मटेरियल की क्वालिटी भी दोबारा चेक होगी उसमें। सर किन लोगों ने शिकायत करी है कि जांच होनी चाहिए रोड की? हमारे पार्षदों ने करी है, पार्षदों ने की है, और मेरे द्वारा भी उसमें पत्राचार किया गया था ठेकेदार से कि आप काम व्यवस्थित करें, लेकिन उन्होंने काम में सुधार न करते हुए और घटिया काम किया।